तो हमें भी नहीं मालूम था, बट ये उन्होंने चिट्ठी बाद में तोड़ने फोड़ने के बाद हमें दी, जिसपे लिखा हुआ है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट छात्रा कांग्रेस। तो अब मुझे मालूम भी नहीं है हमारे स्टूडेंट भी थे या नहीं थे, और बस इन्होंने कहा कि भाई हम तोड़ फोड़ मचा रहे हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए। हमने कहा कि भाई आप कौन हैं बताइए तो सही। हमें उन्होंने कहा नहीं हम बताते नहीं, हम घुसों की भाषा हम बताते हैं। उन्होंने हमारा जो है कम से कम 2 लाख रुपये का नुकसान कर दिया, जो हमारे रिसेप्शन के ऊपर रिसेप्शन डेस्क था वो तोड़ दिया, फ्रंट का शीशा तोड़ दिया, कई हमारी सैनिटाइज़र मशीनें तोड़ दी, और मारने और तो हमारे कुछ एम्प्लॉइज़ को भी उन्होंने मैन हैंडल किया। तो हमने जो SP साहब को इन्फॉर्म किया है जो संबलपुर के हैं, और उन्होंने कहा इनके ख़िलाफ़ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हम खुद जानना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं, अगर ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि इस लेटर से पता नहीं चल रहा कि ये स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेटर तो ये कह रहा है कि हम स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्यों नहीं आए? तोड़फोड़ मचाने से पहले उनको आके हमारी टेबल के ऊपर हमसे बातचीत तो करनी चाहिए ना। अब कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं इमीडिएटली नहीं ले जा सकते,